अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और ये है Xiaomi का 11T Pro। और ये स्मार्टफोन मैंने क्यों बाय किया भाई, ये 40 से 44 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन है एंड मैंने हायर वेरिएंट 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज वाला बाय किया है। क्या मैं पगला गया हूँ, क्या मैं सटिया गया हूँ, आखिर ऐसा किया क्यों? और जब मैंने इस फ़ोन को बाय किया, ट्विटर पे पोस्ट डाला कि मैंने बाय कर लिया है, ढेर सारे लोग कूद पड़े मेरे ऊपर। मतलब अगर कोई परचेज़ करता है ना कोई स्मार्टफोन, और वो कितना भी ज़्यादा बुरा क्यों ना हो, अगर उसने एक बार परचेज़ कर लिया है तो हम टेक यूट्यूबर्स ऐसा चाहते हैं कि उसे बुरा फील ना हो, इसलिए हम लोग उसे कहते हैं कि नहीं भाई अच्छा परचेज़ है, आप इस फ़ोन को यूज़ करो। बट कई बार देखता हूँ ट्विटर पर भाई टॉक्सिसिटी, ओ भाई तूने ये क्यों बाय किया, तूने आईकू 9 क्यों नहीं बाय किया, तू गधा है, तुझे टेक का नॉलेज नहीं है, आईकू 9 इज़ फार 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 बेटर। अबे 40,000 रुपये देता है Xiaomi के लिए, ऐसा क्यों? चलो यार ये रीज़न को मैं बताता हूँ और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। भाई देखो यहाँ पे जो ये Xiaomi 11T Pro है ये मेरा नहीं है, मैंने बाय किया लेकिन अपने भाई के लिए ताकि वो यूज़ कर सके। एंड ये जो 11T Pro है इसे बाय करने का रीज़न ये है क्योंकि मेरे जो भाई है वो Redmi Note 8 Pro यूज़र है एंड पिछले मतलब 6-7 सालों से वो Xiaomi के फ़ोन ही यूज़ कर रहे हैं। मतलब Redmi Note 3G जो फ़ोन आया था पहला, वहाँ से लेकर के उन्होंने जब भी फ़ोन यूज़ किया है तो Redmi Note सीरीज़ वाला स्मार्टफोन ही यूज़ किया है। तो उनका प्रेफरेंस ये था कि मैं दो ही ब्रांड में से कोई फ़ोन बाई कर सकता हूँ, पहला था एप्पल, अगर मुझे एप्पल लेना है तो मैं आईफोन लूँगा, या फिर मैं Xiaomi का ही कोई फ़ोन लूँगा क्योंकि मैं MIUI का यूज़र हूँ एंड उन्हें भी MIUI पसंद है। हाँ मेरे भाई है तो पसंद होगा ही। रियली में उनके बहुत सारे डेटा जो है वो उनके फ़ोन में है, उनके MIUI में है, उनके कॉन्टैक्ट सिंक है, उनकी कॉल लॉक सिंक है, उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अपने काम के लिए ये सारे फीचर्स जिसमें सेंसिंग होती है। साथ ही साथ दोस्तों उनके बहुत सारे नोट्स हैं एंड ऐसे में अगर कोई चीज़ MI के क्लाउड में सिंक है तो उसे पाना भी इनके लिए ज़रूरी था, इसलिए भी इनका फर्स्ट चॉइस था कि नहीं भाई मैं Xiaomi का फ़ोन लूँगा। मैंने ये कहा था कि भाई आप एप्पल ले लो, आईफोन 13 ले लो मेरा वाला, या फिर आईफोन 13 प्रो ऑर्डर कर देता हूँ। उन्होंने कहा जब से तुम्हारा वीडियो देखा हो ना कि इतने कम फीचर्स हैं आईफोन में, मेरा मन हट गया है, मैं Xiaomi का ही फ़ोन लूँगा, बताओ। तो फिर अल्ट्रा का बात हमारा आया, हम लोग अल्ट्रा लेने वाले थे बट इट वाज आउट ऑफ स्टॉक और मैंने कहा अभी सबसे ज़्यादा पावरफुल तो यही है, यही बाई कर लेते हैं Xiaomi 11T Pro। बाई किया तो मैंने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया, अब लोग चिल्लाने लगे तूने बाई क्यों किया, आप लोगों को क्या मैं समझाऊँ मैंने क्यों बाई किया Xiaomi 11T Pro। देखो यार ये तो मैंने बता दिया अपने भाई का स्टोरी, बट ये जो स्मार्टफोन है रियली में बहुत ही कमाल का है। सबसे पहली चीज़ इसके जो स्पेसिफिकेशन है एटलीस्ट ऑन द पेपर टॉप नॉच है। जैसे कि यहाँ पे आपको मिलता है 6.67 इंच का स्क्रीन जो कि 10-bit OLED है, 10-bit AMOLED है, मतलब कि दोस्तों 1 billion कलर्स को ये प्रोड्यूस कर सकता है। 120Hz का रिफ्रेश रेट है, Dolby Vision है दोस्तों, 480Hz का टच सैम्पलिंग और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। साथ ही साथ Gorilla Glass Victus भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, प्रोटेक्शन वगैरह, तो ब्राइटनेस वगैरह भी अच्छी है, मतलब हर एक चीज़ अच्छा है दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में। या प्रोसेसर के मामले में Qualcomm Snapdragon 888 इसमें मिल जाता है और मैं बता दूँ 888 थोड़ा सा गर्म मिजाज का प्रोसेसर है और इसमें एक बहुत ही बड़ा मिथ है। मतलब कई लोग है ना यहाँ पे टेस्टिंग कर लेते हैं कि भैया ये जो प्रोसेसर है इसे मैं टेस्ट करूंगा, थ्रॉटल टेस्ट करूंगा, अनटूटू टेस्ट करूंगा, देखो कितना गर्म हो जा रहा है। एक्चुअल में वो सभी जो टेस्ट होते हैं वो हाई परफॉर्मेंस टेस्ट होता है जिसमें बहुत ज्यादा गर्म होता है या बहुत ज्यादा थ्रॉटल होता है एंड कुछ लोग कहने लगते हैं कि भाई ये जो फोन है ना थ्रॉटल हो रहा है मतलब कि ये बेकार फ़ोन है। भाई अगर ये स्नैपड्रैगन 888 थ्रॉटल होकर के 50% भी जाता है ना थ्रॉटल होकर के, तब भी दोस्तों ये उतना पावरफुल रहेगा जितना स्नैपड्रैगन 870 हो, तब भी दोस्तों उतना ज़्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस ये देगा। तो थ्रॉटल टेस्ट और नॉर्मल डे टू डे यूजर्स टेस्ट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। थ्रॉटल टेस्ट जो होता है ना वो CPU को आपको बिल्कुल पीक परफॉर्मेंस हमेशा रन करता है, जो कि नॉर्मल अगर आप यूजेस करोगे ना, अगर आप डॉक्यूमेंट वगैरह काम कर रहे हो या फिर अपने ऑफिस ले जा रहे हो या धूप में भी लेकर के काम कर रहे हो, आपको ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। थ्रॉटल टेस्ट मे बी बहुत ही हाई परफॉर्मेंस गेमिंग में, जेंशन इंपैक्ट जैसे गेमिंग में आपको काम आएगा एंड रियली दोस्तों मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। Qualcomm Snapdragon 888 मेरा जो है 7,35,000 के आसपास अनटूटू आया। अब ये इतना कम क्यों आया, 8,00,000 के ऊपर क्यों नहीं आया, इसका भी रीज़न ये है कि अभी गर्मी का मौसम है एंड जी हाँ ये हीट भी हुआ था अनटूटू टेस्ट करने में, 46 degrees तक हीट चला गया था, आई नो एंड लेकिन दोस्तों जब ये ठंडा हो गया उसके बाद मैंने जब फ़ोन को यूज़ किया बिल्कुल नॉर्मली दोस्तों बहुत ही फास्ट तरीके से काम कर रहा था, हर एक एप्लीकेशन बहुत ही फास्ट तरीके से खुल रहा था, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। तो ये भी एक रीज़न था दोस्तों कि हमें एक हाई परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए था और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था कि मुझे कोई थोड़ी ना इस फोन पे बुलडोजर चलाना है, इतना ज्यादा परफॉर्मेंस थोड़ी ना करना है। उसके अलावा इसमें आपको मिलता है दोस्तों 5000mAh की बैटरी और 120 वाट का हाइपर चार्ज जो इस फोन को चार्ज कर सकता है 17 मिनट में, ऐसा एडवर्टाइज किया जाता है लेकिन नॉर्मली आपको 25 से 30 मिनट लग जाता है। उसके अलावा इसमें आपको ड्यूल स्टोरेज स्पीकर मिल जाता है Harman Kardon की तरफ से, यहाँ पे आपको लीनियर वाइब्रेशन मोटर मिल जाता है और जो हैप्टिक्स मुझे
मुझे इसकी लगी है, आया है क्या कमाल की लगी है दोस्तों। बेस्ट हैप्टिक टिल डेट मैंने इस स्मार्टफोन में देखा है, रियली मज़ा आ गया दोस्तों। इन हैंड फील जो है दोस्तों मुझे इस स्मार्टफोन की अच्छी लगी है, और फ़ोन हल्का भी है, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है, मतलब फ्लैगशिप फ़ोन होते हुए भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा भारी नहीं लगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, थोड़ा ज़्यादा चौड़ा फ़ोन है इसलिए आप एक हाथ से यूज़ नहीं कर पाएंगे, या फिर कभी कभी ऐसा फील होगा कि भाई मैं कोई डब्बा यूज़ कर रहा हूँ। मतलब प्रीमियमनेस तो है फ़ोन में, बिकॉज एल्यूमिनियम की फ्रेम भी मिल जाती है दोस्तों, बैक में भी ग्लास है, फ्रंट में भी ग्लास है, तो प्रीमियम लगती है। लेकिन कभी कभी आपको लगेगा कि यार थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा डब्बे जैसा हो गया, तो इसलिए ये उतनी भी ज़्यादा हाई लेवल की प्रीमियम नहीं लगती है। तो इस चीज़ में सुधारने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा जो MI का 11X Pro था दोस्तों, वो थोड़ा इससे ज़्यादा प्रीमियम लगता था हाथ में यूज़ करने में। बाकी दोस्तों आप जानते हो कि इसमें मिलता है 108 मेगापिक्सल का कैमरा, एंड दैट इज़ द मेन पॉइंट जो कि मैंने इसे बाय किया, बिकॉज 108 मेगापिक्सल का कैमरा मायने रखता है। कई लोग कहेंगे नहीं नहीं 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा है इसके सामने आईकू का 48 मेगापिक्सल अच्छा है, 50 मेगापिक्सल अच्छा है। देखो यार, जब फ़ोन कोई इंसान बाय करता है ना, एक नॉर्मल कंज्यूमर की तरह देखो, तो वो हर बार एक एक फ़ोन का कैमरा टेस्ट नहीं कर सकता। लेट्स टेस्ट आईकू 9 वर्सेस MI 11X Pro, आईकू 9 वर्सेस MI 11T Pro, या फिर लेट्स टेस्ट आईफोन 12 वर्सेस MI 11T Pro। भाई ऐसा नहीं होता, आप स्पेसिफिकेशंस देखते हो एंड उस हिसाब से बाय करते हो। एंड जब मैंने इसे बाय किया दोस्तों, आई वॉज टोटली सेटिस्फाइड विद इट्स कैमरा। जो 108 मेगापिक्सल के कैमरा से जो फोटोज़ आते हैं, क्या कमाल के डिटेल्ड फोटोज़ आते हैं। एंड फोटोज़ देखने से पहले, मतलब फ़ोटोज़ खींचने से पहले मुझे शक था कि मे भी हो सकता है कि आईकू 9 प्रो इससे ज़्यादा अच्छा फ़ोटो खींच ले, लेकिन फ़ोटोज़ खींचने के बाद मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अच्छा कोई फ़ोटो खींच पाएगा। 8K का रिकॉर्डिंग मिलता है दोस्तों, एंड आई डोंट थिंक 8K का वीडियो इसमें मैं एडिट कर पाऊँगा। भाई के लिए दोस्तों 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, जिसका मुझे कोई ज़्यादा काम नहीं करना था, या मेरे भाई को, लेकिन हाँ 5 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है जिससे आप बहुत ज़्यादा करीब जा कर के फोटोज़ ले सकते हो, एंड दैट इज़ रियली रियली ऑसम। जो इससे फोटोज़ आती है ना मैक्रो में, कोई और फ़ोन चाहे वो आईकू का वाइड एंगल लेंस वाला 12 मेगापिक्सल वाला लगा लो, नहीं आएगा ऐसा फ़ोटोज़, खींच ही नहीं पाएगा ऐसा फ़ोटोज़। इवन आईफोन 13 नहीं खींच पाता, बिकॉज उसमें तो मैक्रो ही नहीं है। बट या ऐसा फ़ोटोज़ नहीं आएगा, बिकॉज दोस्तों ये जो मैक्रो है एक बहुत ही हाई लेवल हाई क्लास का मैक्रो है। बाकी फ्रंट कैमरा भी अच्छा है, सेटिस्फाइड हो, बट फ्रंट कैमरा में 4K होना चाहिए था, या 60 FPS है बट 4K नहीं है, तो ये थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा फ्रंट कैमरा में। मतलब शाओमी फ्रंट कैमरा में बहुत ज़्यादा लैग करता है अभी, मैं ये मानता हूँ दोस्तों, इसे सुधारने की ज़रूरत है। बाकी बैक कैमरा से आप यहाँ पे 4K 30 FPS 60 FPS में भी स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा, रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों इसमें आप HDR10 वीडियोज़ भी शूट कर सकते हो, HDR10+ वीडियोस। तो अगर आप डे लाइट में बहुत अच्छे कलरफुल फोटोज लेना चाहते हो, ज्यादा कलर वाले, हाई डायनेमिक रेंज वाले। बाइक के लिए दोस्तों यही है मेरा इस स्मार्टफोन का थोड़ा सा एक्सपीरियंस अभी तक का, एंड मैं कहूंगा जो लोग Xiaomi 11T Pro लेंगे ना इस प्राइस रेंज में, फुली सेटिस्फाइड होने वाला है। यस दोस्तों एक चीज़, OIS नहीं मिलता है इसमें, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, डेट इज़ अ बमर। एंड अगर आप ज़्यादा मूविंग शॉट्स लेना चाहते हैं व्लॉग्स वगैरह के लिए, तो डेट इज़ रियली गोइंग टू बी बमर। लेकिन हाँ इसमें EIS जो मिलता है वो अच्छे से काम करता, मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई दोस्तों। बट हाँ यहाँ पे OIS होना चाहिए था, इससे नाइट लाइट में ज़्यादा यहाँ पे सुधर जाता वीडियोग्राफी वगैरह, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे कमी खली है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी के लिए दोस्तों फ़ोन इज़ रियली रियली ऑसम, एंड इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। कलर भी चमचम चेंज होता है लेफ्ट राइट करने पर, ज़्यादा हो गया, भाई देखेंगे तो कहेंगे कि मुझे फ़ोन दिया है ना, तो इसीलिए ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है फ़ोन का, कि मैं नाराज़ ना हो जाऊँ, मैं उदास ना हो जाऊँ, तो इतना भी तारीफ़ नहीं करते और कहते हैं अच्छा फ़ोन है, 4.5 स्टार आउट ऑफ 5। थैंक यू, बाय बाय, लो लाइट भी कट गई, जय हिंद।